पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। वाओ, क्या बात सुनी है मैंने। मतलब ऋषि भाई और भाभी के बीच की सारी दूरी अब दूर हो गई। ऋषि भाई रोहन की विश पूरी करने वाले, वो उसे एक बहन देने वाले। मतलब ऋषि भाई बच्चा प्लान कर रहे हैं। अनुष्का इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? हम भी दिखाई नहीं दिए इसे। अनुष्का, अनुष्का, यहां वहां नहीं, पीछे देखो। क्या बात है अनुष्का, तुम हमारे पास से गुजर गई और तुम्हें एहसास भी नहीं हुआ। इतनी जल्दबाजी में कहां जा रही और क्यों? मामी, मैं बस वो भाभी के पास जा रही थी। अरे पर मलिष्का तो घर में ही है ना, तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? मामी, बात ही कुछ ऐसी है कि मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ। मुझे बस ये खुशखबरी जल्दी से भाभी को सुनानी है। ऐसी क्या खुशखबरी है कि तुम हमारे पास से गुजरी और तुम्हें एहसास तक नहीं हुआ? ओह, आई एम सॉरी मामी, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मैं खुद ही इतनी एक्साइटेड थी और मुझे जल्दी से ये खुशखबरी भाभी को सुनानी थी, तो बस मेरे दिमाग में यही सब चल रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, हमें भी बता दो कि खुशखबरी क्या है, ऐसा क्या हो गया जो तुम इतनी खुश हो? मामी, मैंने ऋषि भाई और रोहन के बीच की बात सुनी। मतलब मैं बात सुनने नहीं गई थी, वो बस रोहन का एक टॉय मेरे कमरे में रह गया था, तो बस वही देने गई थी। अच्छा ठीक है, आगे आगे तो बताओ। तो मामी, ऋषि भाई रोहन से कह रहे थे कि उसे बहन मिलेगी। वो रोहन जिद करता था ना कि उसे बहन चाहिए। ऋषि भाई ने कहा कि उसे बहन मिलेगी। अनुष्का, तुम सच कह रही हो? मामी, ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है। फाइनली मलिष्का का सारा प्यार, उसके सारे सैक्रिफाइसेस, सबने ऋषि का दिल जीत ही लिया। थैंक यू गॉड। मलिष्का, तुमने इतनी अच्छी खबर सुनाई हमें, हम गिफ्ट देना चाहते हैं तुम्हें। नहीं मामी, गिफ्ट की क्या जरूरत है, हम सब फैमिली हैं और फैमिली की खुशी अपने आप में बहुत बड़ा गिफ्ट है। सच, बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें तो ये लगने लगा था कि हमने ऋषि और मलिष्का की शादी तो करा दी, पर मलिष्का को पत्नी होने का दर्जा नहीं दिलवा पाए ऋषि से। इतना बड़ा बोझ था हमारे सर पर और तुम्हारी इस खबर से हमारा वो बोझ उतर गया। हमारी सारी चिंता दूर कर दी आज तुमने, हम सच में बहुत खुश हैं। अनुष्का, भाभी, सब कुछ सुना मैंने। थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी न्यूज दी तुमने मुझे। अब तो मुझे लग रहा है कि रोहन की बहन कल ही आ जाएगी। ये क्या कह रही हो मलिष्का? मॉम, अब आई एम रियली सॉरी, वो एक्साइटमेंट में वर्ड्स पर कंट्रोल नहीं रहा। कोई बात नहीं, खबर ही इतनी अच्छी है। वैसे अगर तुमने हमें पहले ही बता दिया होता कि तुम्हारे और ऋषि के बीच में पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं है, तो हमने पहले कोई हल निकाल लिया होता इस बात का। पर कोई बात नहीं, अब तो रोहन की बहन आ रही है, बहन आ जाएगी उसकी अब तो बहुत जल्द, तो कांग्रेचुलेशन। कोई दुख, कोई तकलीफ, अब कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बस सब अच्छा होगा। राइट मॉम, अब तो अपनी खुशी को डबल करने का टाइम आ गया। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। पारो, मैंने तुझे बहुत मिस किया। मैंने भी तुझे बहुत मिस किया। ऋषि, तुम इस बहन की बात कर रहे थे? कुछ आंसर ही नहीं किया। तुमने क्या सोचा? कुछ नहीं। ओके। खुश? क्या है ये? मॉम, एक्चुअली पारो शिफ्ट हो रही है यहाँ। यहीं पे? मतलब? मतलब हमारे शहर में रहेगी और रोहन के साथ ही स्कूल में जाएगी, वहीं एडमिशन हुआ उसका। ऋषि, अगर पारो यहाँ पड़ेगी तो इसकी माँ भी यहाँ आई होगी। हाँ। और हाँ, मासी भी आई है। लेकिन ऋषि, क्या जरूरत थी तुम्हें इसे यहाँ लाने की? बुआ, पारो का बहुत मन था रोहन से मिलने का, तो मुझे मेरे भाई से मिलना था और मुझे मेरी बहन से। ऋषि, तुम्हें पता है इस लड़की को हम अपनी नजरों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर क्यों लाए हो तुम इसे यहाँ? हाँ, तुम ना आजकल कोई बात नहीं मानते हमारी। ऐसी बात नहीं है। अरे नीलम, करिश्मा, क्या कर रहे हो तुम लोग छोटी बच्ची के सामने? बेचारी पारो का दिल टूट जाएगा, बाद में डांट लेना ऋषि को।
जब पारो चली जाएगी। मालिश कर, चल। पारो, पारो बेटा, क्या है ना कि बड़े लोग कभी गुस्सा हो जाते हैं, डांट देते हैं, पर उनके ना दिल में कुछ नहीं होता है, इसलिए तू बुरा मत मानना। ओके? बिल्कुल सही कह रही दादी। आजो इधर, यहाँ बैठो। बड़ी दादी। आजो जाओ। पारो, आपको भूख लगी होगी ना? ओके, मैं अच्छा अच्छा खाना मंगाता हूँ। गोपाल, इधर आओ। घर में जो भी अच्छा खाना है, आइसक्रीम है, चॉकलेट है, जल्दी से फटाफट पारो के लिए स्पेशली बना के लाओ। ओके, ओके, जल्दी जाओ। अच्छा पारो, रोहन, मुझे ना तुम्हारे डैड के साथ थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। ओके दादी, अभी जाना होगा। हाँ, जल्दी आ जाएंगे। और पारो, जब तक हम वापिस नहीं आ जाते, तुम यहीं रुकना। जी सहेली। गुड गर्ल। और रोहन, आप भी ख्याल रखना पारो का। ओके, ओके डैड, हम अभी आते हैं। बाय बड़ी दादी। बाय डैड। बाय। अनुष्का, फिक्स संभालो अपने आप। Hell is wrong with you, Anushka. क्या किया तुमने? और क्या कहा था तुमने कि ऋषि रोहन के लिए बहन लेके आ रहा है? देखा किसको लेकर आ गया वो? अनुष्का, तुम्हारी बातों में आकर कितने सपने देखे थे मैंने, लेकिन मेरे सारे सपने टूट गए। अच्छा नहीं किया तुमने, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुम जानती भी हो क्या बीत रही है मुझ। तुम इस बहन की बात कर रहे थे? कुछ आंसर ही नहीं किया। तुमने क्या सोचा? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। तेरी मुझे फोन करने की हिम्मत कैसे हुई? लिसन, मैंने जीतू को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन लेकिन क्या? मुझे धोखा देके तूने अच्छा नहीं किया, मुझे बेवकूफ बना के तू। मैंने नहीं, जीते और हीर ने बनाया। क्या मतलब? मैं तो सब कुछ तुम्हारे प्लान के हिसाब से कर रही थी। अगर तुम सब कुछ अपने प्लान के हिसाब से कर रही थी, तो वो हीर वहाँ कैसे आ गई और जीता बस के कैसे निकल गया? मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना तो पता चल गया यहाँ पे रह के कि तुमने जीते और हीर को कई बार मारने की कोशिश की है और हमेशा नाकाम रहे। तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम भी उनके साथ मिले हुए हो? बोलो, आई मीन तुझ जैसा कमीना तो ओए! मतलब तुम तो इतने होशियार हो, खतरनाक हो। अगर तुम ही ये काम नहीं कर पाए तो मैं तो एक सिंपल सी मॉडल लड़की हूँ, मैं ये काम कैसे करूंगी? मेरा तो खून खराबे से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। वैसे बहुत है यार, पता नहीं ये दोनों हस्बैंड वाइफ कौन सी संजीवनी बूटी खा के बैठे, हर बार बच जाते हैं। लेकिन अगर तुम मुझे एक चांस दो, मेरे पास एक प्लान है जो शायद काम कर जाए। I mean, एक बार ट्राई कर लो, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो। मैं जानता हूँ, मैं इन दोनों को मारना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम अचानक से मेरी मदद करने के लिए क्यों मरी जा रही हो इतनी? क्या हो गया ऐसा? वो क्या है ना, मैंने डिसाइड कर लिया है कि दोनों को मारने के जो पैसे तुम मुझे दोगे, मैं उन पैसों के साथ क्या करूंगी? अब मैं सिर्फ मॉडलिंग नहीं, मैं एक फिल्म प्रोड्यूस करूंगी जिसमें मैं हीरोइन बनके बॉलीवुड में एंट्री लूंगी। और अब मेरा सपना पूरा करने के लिए अगर मुझे दो आंखें बंद भी करनी पड़ती हैं, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। पैसा चीज ही ऐसी अच्छे अच्छों की नीयत बिगाड़ देता है। बोलो प्लान क्या है? तुम्हारा काम कर दिया है मैंने। मैं कैसे मान लूं? तुम्हारी आंखें तो हर जगह है ना, खुद चेक करवा लो। मुझे कुछ पता करवाना है, लेकिन थोड़ा संभल के।
पापा जी, इस बार मेरा प्लान कामयाब हो जाए, मैं जीते को यकीन दिला दूं कि मैं सच कह रही हूँ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हाय ओ मेरे रब्बा, किसकी है ये फसूड़ी? हैं? तेरी गलती है? फिर इतनी लापरवाही किसने की है? हद मुक गई है, पता नहीं कौन कौन आ गया इस कार में रहने के लिए। नवा कुकर ऑर्डर कर फटाफट और हिसाब कर छती छती। सब लोग तो यहाँ पे हैं, कोई अगर कार चेक करने बाहर गया भी होगा तो पता ही नहीं चलेगा। कहाँ से आ रहे हो आप? तुमसे मतलब? क्या हुआ, कुछ पता चला? बोलिए, बताइए क्या हुआ? जीते, कुकर का फटना बस एक डिस्ट्रैक्शन था, किसी ने वो हमारा ध्यान भटकाने के लिए किया। मैंने अभी देखा मम्मी जी बाहर से आ रही थी और बाकी सब तो अंदर ही थे। मैंने जनरल को कहा था कि अपने किसी बंदे से ब्रेक चेक करवाए। कहीं मम्मा, बस करो वीर जी, एक बार बोलने से पहले ना सोच लिया करो। मम्मी जी पर शक कर रहे हो आप, और फिर आप मुझ पर इल्जाम लगाते हो कि मैं आप पर भरोसा नहीं करता। ऐसी बातें करोगे तो कैसे करूंगा भरोसा आप पर? तो मम्मी जी जनरल के साथ क्यों मिली होंगी? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो ऐसा क्यों। वो कुछ नहीं कर रही, कर तो आप रहे हो बेवकूफी। पहले तेजी जी पर शक करके आपने बेवकूफी की और आप गलत साबित हुई, अब भी आप गलत ही साबित होगी। नहीं जीते, तू जनरल को उतने अच्छे से नहीं जानता है जितने अच्छे से मैं उसे जानती हूँ। हो सकता है कि वो मम्मी जी को फंसा रहा हो जैसे वो मुझे फंसाना चाहता है। जीते, तू जानता है मम्मा पहले भी तेरे और मेरे बीच में आने की कोशिश की है और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी है। हो सकता है कि वो फिर से कोई गलती करने जा रहे हो। उन्होंने कुछ नहीं किया, ये सिर्फ आपका वहम है और कुछ भी नहीं, समझिए आप। ठीक है, अब ये मेरा वहम है या सच मम्मी जी बताएंगे। क्या हुआ, तुम ठीक हो? मम्मा को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि वो कुछ छुपा रही है? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। निमित, तू उधर बैठना। भाई ये क्या कर रहे हो, हटो ना यहाँ से। तू उधर बैठना, मैं इधर बैठता हूँ। पर भाई उनकी मेहंदी खराब हो जाएगी ना। मेहंदी खराब नहीं होगी, मैं बच्चा थोड़ी हूँ निम्मी, मार थोड़ा रहा हूँ उसको, डोंट वरी। अब उन लोगों को देख। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली सिवाय बैंकर के। बैंकर क्या मेहंदी वेहंदी लगवा रही हो? बाहर चलते हैं थोड़ी हवा खा के आते हैं। अभी तो मेहंदी लगवाने बैठी हूँ, आप क्या? भाई आप मुझसे बात करो, वहाँ कहाँ। अरे कहाँ तुझसे बात करूँ, पूरे टाइम तो अपने पति के साथ होती है। मेरा मतलब बिजी होती है ना तू। बैंकर तुम्हें कौन सा किसी का नाम लिखवाना है, इतनी उतावली क्या हो रही हो? कैसी बातें करती है? क्या करूँ, कैसे बताऊँ इसे? मम्मी, वो लोग मेहंदी नहीं लगा रहे, बोल रहा उन्हें मेहंदी लगाने को। बैंकर ये देखो फोन, कितना अच्छा वीडियो है। रही मुझे नहीं देखना कोई वीडियो। अरे क्या कर रही हो ये देखो ना, थोड़ा सा नहीं देखो। देखा मुझे, क्या हो गया आपको? भाई
डिस्टर्ब मत करो ना। अरे बैंकर क्या कर रही हो, ये देखो ना। अब आप इरिटेट कर रहे हैं, प्लीज मुझे नहीं देखना कुछ। शेकी को वो ऑफिसर मिल गया है जिसने घर के ट्रांसफर पेपर्स पे साइन किए थे। ओह माय गॉड, क्या कर रहा है विराट? शर्म नाम की कोई चीज नहीं बची है। वो क्या रहा है ना? हो गई मेहंदी। थैंक यू प्रीतिया, हो गया बहुत। अरे भाई तेरी की मेहंदी हो गया, बहुत सुंदर है। थैंक यू निमी, मेहंदी तो तूने भी नहीं लगाई। निमी एक काम कर, तू स्टार्ट कर, हम बस काम खत्म करके आते हैं। विराट, इसने फिर से हमारे अकाउंट्स देखने शुरू किए हैं क्या? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरा ना अंदर से मन कर रहा है आज किसी की दोनों टांगे तोड़ दूंगा, इसकी ना दोनों टांगे तोड़ दूंगा, बस शरीफ छोड़ दूंगा। आफ्टर ऑल शरीफ इंसान जो देखिए चुप, बहुत बोल लिया तूने, अब मैं बोलूंगा और तू सुनेगा, समझा? गाइस स्टार्ट करें। हाँ मजा तो बहुत आने वाला है तेरे टांगे तोड़ने में। नहीं नहीं हाँ ठीक है सर, हथियार लेने गए हैं। मुझे जाने दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। सर मैं बता रही हूँ, आप सच बता दो। आप क्यों एक सच के लिए अपनी हड्डियां तोड़वाने के लिए राजी हैं? आपको एक ही सच तो बताना है कि वो पेपर्स किसने बदलवाए। जहान आंटी का घर जिसने खरीदा था वो कोई और था, उसका नाम बदल के बबीता आहूजा का नाम किसने लिखवाया? अरे बैंकर क्या कर रही हो तुम, हालत देखो बेचारे की, पसीने आ रहे हैं, क्यों पुश कर रही हो उसको? अरे जब इसको तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, तो पुश करने की क्या जरूरत है ना? ये यहाँ पड़ेगा तो बहुत मजा आएगा। नहीं 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 नहीं, इधर बराबर इधर। मैडम सर को बोलो रॉड नीचे करने के लिए, रॉड नीचे करने के लिए बोलो। तो मैंने आपको था चॉइस दी थी, आप ही नहीं माने। चलिए एक और चॉइस देती हूँ। हाँ। या तो सच या फिर आपकी गर्दन, या तो आप सच बता दीजिए वरना गर्दन। ओके गाइस स्टॉप इनफ, क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम लोग? मैं वेट कर रहा हूँ तब से अपना बेसबॉल शॉट खेलने के लिए। चलो हटो, गो स्टैंड देयर, पीछे जाओ, मुंडी टूट टूट के आएगी, पकड़ेगा कौन? सुमन लॉयर सुमन वो जहान आंटी की लॉयर है जिसने मेरा केस लिया था। उसी ने पेपर बदल दी थी, मुझसे ये सब कुछ करवाया था उसने।
Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। भाई भाई यार, माना मैंने तो शर्लॉक होम्स बोला है, लेकिन मैंने खुद को भी तो डॉक्टर वॉटसन बोला है, तो थोड़ा बहुत दिमाग तो मुझ में भी है। है तो बहुत ज्यादा, बस यूज थोड़ा करता हूँ जितनी जरूरत होती है। अब कुछ बोलेगा? देख, मैंने ना अपने ब्रिलियंट और जीनियस दिमाग का छोटा सा पार्ट यूज करके ये पता लगाया है कि सीसीटीवी किचन में कौन लगाता है। भाई सोच, सीसीटीवी किचन में मतलब लगाते हैं, देखा है मैंने, और ये शादी के वेन्यू पे तो लगाते ही हैं, होगा यहाँ पर, I'm sure। रुक रुक रुक, 50-50 अग्री करता हूँ, क्योंकि तेरा ये वेडिंग वेन्यू वाला पॉइंट ना वैलिड है। लेट्स कैरी ऑन आवर मिशन ब्रो, चल ढूंढ। क्या देख रहा है? देख रहा हूँ भाई। कहाँ? खिड़की के बाहर, वहाँ हवा में लटका गया कैमरा। अरे भाई देख रहा हूँ यार, ऐसी शादियों में कॉमिक टाइमिंग जरूरी होता है, कॉमिक रिलीफ ब्रो। मैं छोड़, मत देख, नहीं है। क्या नहीं है? अबे सीसीटीवी नहीं है यहाँ पर। देख मैंने पहले ही बोला था, आई टोल्ड यू नहीं है सीसीटीवी। हाँ लेकिन अभी सीसीटीवी मिल गया, अब असली गुनेगार पकड़ा जाएगा। यस, अब मिलेगा असली गुनेगार और उसको मिलेगी सजा। प्रियू, माँ, पूर्वी, दाशु, पूर्वी, तुम ठीक है? हाँ, दाशु, तुम यहाँ? सॉरी, थोड़ा आने में लेट हो गया। मुझे सॉरी बोलना चाहिए। आज तुम्हारी शादी है, तुम्हारी जीवन का सबसे बड़ा दिन, तुम ऐसे शादी के जोड़े में यहाँ आ रही हो, वो भी मेरी वजह से। I'm so sorry। अरे बस 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 बस, क्या सॉरी सॉरी बोले जा रही हो? तुम ही डांटती रहती हो ना मुझे कि सॉरी, थैंक यू, फ्रेंडशिप में नहीं बोलना चाहिए, और अब तुम खुद। प्रियो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता था, वो एक हादसा था, it was just a mere accident। तुमने जानबूझ के थोड़ी ना कुछ किया है, तुम ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। और जो हुआ ना उसे भूल जाओ, वो कहते हैं ना जो होना रहता है वो होके रहता है, और कोई कुछ नहीं कर सकता, बस हो गया, भूल जाओ, अब हम सब ठीक कर देंगे। ओके, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। तो बैंड बज जाएगी भाई, जो भी। सॉरी, संभाल के। मैं संभली हूँ, तुम अपने आप को संभालो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वही जो मुझसे पहले किसी और को करना चाहिए था। सॉरी टू से जीजू, लेकिन आपने पुलिस स्टेशन आने की तकलीफ नहीं उठाई, जबकि मुझे आपसे ज्यादा उम्मीद थी कि आप आओगे। हाँ, वो एक्चुअली पर आप नहीं आए, जबकि मोनिशा ने भी आपको आने के लिए कहा था। मोनिशा ने? कोई बात नहीं, प्राची मासी को छोड़ दिया गया, वो के सर है ना, उन्होंने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है, तो मासी बस आई रही है, तो ये बताने के लिए भागे भागे चली आई मैं। कंप्लेंट वापस लिखवानी होगी। क्या, क्यों? तो क्या आप मासी को वापस जेल भिजवाना चाहते हो? एक सेकंड दिया, तुम्हें हक किसने दिया कि तुम भाई के लिए जो मुंह में आए बोली जाओगी? भाई ऑलरेडी प्राची आंटी और पूर्वी के लिए कर रहा है जो कर सकता है। क्या कर रहे हैं भाई? आई मीन जीजू। मुझे प्रूव करना है कि पूर्वी इनोसेंट। देखो ना, उसने कुछ नहीं किया, उसकी बनाई हुई डिश में अगर कुछ था तो वो उसने नहीं मिलाया, किसी और ने किया है। उस डिश में था तो जरूर कुछ, लेकिन वो पूर्वी ने नहीं मिला, ये बात मुझे पता है। और अगर पूर्वी इनोसेंट है तो प्रियो आंटी भी बेगुनाह है। प्रियो? प्रियो आंटी? मतलब प्राची मासी? हाँ, प्राची आंटी। Exactly। मुझे ये नाम अच्छा लगा, प्रियो। तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं यार भाई, आई लाइक इट, प्राची आंटी, प्रियो आंटी, सेम सेम। और तुम्हें? नहीं चलेगा। एक सेकंड,
चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं भी चलेगा, चलेगा तो भी चलेगा। अरे यार भाई अभी भी इतनी कंफ्यूज्ड है। आरवी सीधा फोन आया था, प्राची को छोड़ दिया इन लोगों ने। ओ दिया ने तो तुम्हें सब कुछ बता ही दिया होगा ना? जी आंटी। तो फिर अब ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आई मीन प्राची फ्री हो गई है अभी, तो इन सब झमेलों में पड़ने की जरूरत नहीं है, राइट? नहीं माँ, जरूरी है। ये उनके नाम उनकी इज्जत की बात है, पूर्वी के नाम उसकी इज्जत की भी बात है, ये मुझे उनका मान सम्मान लौटाना है और वो मैं उनको दिलाकर रहूंगा। हम कमिश्नर अंकल को कॉल करेंगे, अरेस्ट का ऑर्डर उन्होंने नहीं दिया था ना, उनसे बात करेंगे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। सबको लगता है बहुत अच्छे इंसान है गॉडफादर। स्टॉप इट। अरे बहुत बुरे इंसान है वो, उन्होंने बहुत बुरा किया है हम सबके साथ। तुमने अपनी पर्सनल बात मुझे बताई नहीं, तुम खुद इतने परेशान लग रहे थे तो तुम्हें देखकर मैं परेशान हो गई, क्या करूं? पलकी मेरे लिए परेशान होने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी परेशानियां खुद हैंडल कर सकता हूं। तू ऐसे रो मत, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं हो रहा, मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी शरण, मैंने क्या कर दिया मुझे समझ दो। राजवीर ने आज तक मेरे लिए इतना सब कुछ किया, उसने कितनी बार मेरी जान बचाई और मैंने क्या किया? मैं बस हमेशा उससे लड़ती थी, झगड़ती थी, नाराज हो जाती थी बेवजह सी बातों पर, जैसे कि ये मेहंदी का डिजाइन, ऐसी बातों पे मैं उससे झगड़ती, मैं हमेशा उससे नाराज हो जाती थी क्योंकि वो लूथराज से खफा रहता था। मुझे ऐसा लगता था कि वो उनके साथ कितना गलत कर रहा है, उनके बारे में कितना गलत सोच रहा है, लेकिन गलत मैं थी। वो आज उनकी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी। शनाया मैंने राजवीर के बारे में क्या क्या सोच लिया, मुझे लगा वो इतना बुरा कैसे हो सकता है, बट वो कितना अच्छा है और मैं कितनी गलत हूँ। नहीं तुम बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है पलकी, ऐसा कुछ नहीं है। और राजवीर बहुत अच्छा है, लेकिन पुरानी बातें याद करके ऐसे रो मत, वो पुरानी बातें हैं। नहीं कोई पुरानी बात नहीं है, मैंने आज तक उसे गोली लगने से पहले तक उससे झगड़ा किया, अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। ऐसे मत बोल, उसे कुछ नहीं होगा। तुम दोनों तो एक दूसरे से कितना प्यार करते हो ना, तुझे पता है जब दो लोग आपस में एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं ना तो भगवान जी उन्हें कभी अलग नहीं करते। तुझे पता है बहुत बहुत मुश्किल से ना जिंदगी में किसी को प्यार करने वाले मिलते हैं, तेरी तुझे किस्मत से भी इतना प्यार करने वाला मिला है। तुझे पता है ये जो प्यार होता है ना ये रब देते हैं, और जब रब प्यार दे देते हैं ना तो कभी वापस नहीं लेते हैं। फिर को कुछ नहीं होगा, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।
पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। अरे मैं क्या बताऊँ यार, मेरी बात ही नहीं सुन रहा है कुछ। मैं प्रसाद मासी, आप प्लीज प्लीज माँ को समझाइए ना कि आज के डैड का कोटा खत्म होता है। मासी आप हमेशा मेरे दिल की बात समझ जाती है, जैसे आप ही मेरी माँ हैं। ये तुम्हारा छोटा बच्चा है, इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है, मेरी जिम्मेदारी इस पर नहीं है। प्यारा है मेरा राजवीर, बहुत समझदार, बहुत ही सुलझा हुआ, और दुनिया का सारा प्यार मुझ पर लुटाता है। पता कभी मुझे कोई परेशानी, कोई दिक्कत कभी नहीं आने देता, इतना प्यार करता है मुझसे, और मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। जिंदगी में कभी कोई उलझन ही नहीं आने देता। सृष्टि ने राजवीर को इतनी अच्छी परवरिश दी कि उसमें इतने अच्छे संस्कार हैं, उसके चेहरे का जो तेज है ना, वो उसके संस्कारों की वजह से ही। कैसी जिंदगी है मेरी, कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है जैसे कि जितना प्यार राजवीर मुझसे करता है, पता नहीं मैं तो उसे इतना प्यार दे भी पाई कि नहीं, पता नहीं। ऐसे लगता है कि जैसे जिंदगी में बहुत सी बातें जो मुझे याद भी नहीं है, जैसे मैं कोई अधूरी जिंदगी जी रही हूँ, जैसे जिंदगी का कोई हिस्सा है जो मुझे पता भी नहीं। तुमसे क्या कहूं प्रीता, हो सकता है कि जूते में लग रहा हो ठीक हो, ठीक हो, मैं सच में ना पता हो। हो सकता है कुछ ऐसी बातें हों, कुछ ऐसे एहसास हों जो तुम्हें तुम्हें सच में याद ना हो, लेकिन उन लोगों को याद हो जो तुम्हारे साथ जुड़े हुए थे। तुम भूल गई हो, लेकिन वो जो तुम्हारे साथ थे वो ना भूले हो। तुमने अपने आप को उन लोगों से काट लिया हो, अपने से दूर कर लिया हो, लेकिन हो सकता है कि वो लोग आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हो, कि कभी ना कभी तो तुम लौट कर आओगे। हो सकता है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। तुमने मेरी उंगली पकड़ने की हिम्मत की थी ना, अब मैं तुम्हें तुम्हारे हाथ पकड़ के इस घर से बाहर निकाल दूंगी। गेम ओवर शक्ति, गेम ओवर। शादी है हमारे घर में, शादी है। डीजे आएगा, पैसे तो दादी गुड्डे गुड़िया की शादी है, हमें डेकोरेशन लानी है, डीजे बुलाना है, मिठाइयाँ लानी है, खाना लाना है, हमें पैसे दो। हाँ 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 देंगे, बहुत सारे पैसे देंगे। हाँ दादी हमें पैसे दो, नाचेंगे गाएंगे, हमारे घर में शादी है। संभल के, पैसे दो। पागल हो गया है क्या?
शक्ति, किसने क्या किया? एक तो अपने दादाजी की फोटो तोड़ दी और फिर उसके ऊपर पैर भी रख दिया। आपने मुझे मारा, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना पैर दिया था, बच्चों से तो गलती हो जाती है ना, तो आपने मारा क्यों? डॉक्टर शेफ, दादी ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। नहीं, उन्होंने जानबूझकर किया, उन्होंने ऐसे करके एम करके मारा मुझे। दादी गंदी है, गंदी दादी, मैं दादी को पनिश करूंगा, बहुत पनिश करूंगा मैं दादी को। डॉक्टर शेफ, ऐसा नहीं कहते, दादी एज में बड़ी है ना। तुम क्यों बोल रही हो बीच में, तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। गंदी दादी, बहुत गंदी दादी है। अब आई सांप की पूंछ मेरे हाथ में, तो ये वो राज है जो शक्ति छुपा रही थी। शिव शक्ति को अपनी पत्नी को पहचानता ही नहीं। अब देखना शक्ति, कैसे मैं तुम्हें शिव के गले से निकाल के फेंकती हूँ। तुमने मेरी उंगली पकड़ने की हिम्मत की थी ना, अब मैं तुम्हें तुम्हारे हाथ पकड़ के इस घर से बाहर निकाल दूंगी। गेम ओवर शक्ति, गेम ओवर। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। मुझे ना बहुत नर्वसनेस हो रही है शक्ति, सच में। लोग तो कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होता है, पर आजकल के बच्चे ना भगवान का नहीं, शैतान का रूप होते हैं। अब शिव जैसे इतने बड़े आदमी को अगर उन लोगों ने कार्तिक के स्कूल में ऐसे देख लिया तो सोचो क्या करेंगे। अब ना नर्वस होना छोड़ दो, हमारे सवाल पूछने से पहले ही आप सारे जवाब दे रहे थे। छुपे रुस्तम हो आप। अब हमें पूरा यकीन है कि आप भी ना पापा की तरह बहुत बहुत बड़े डॉक्टर बनेंगे। बस भोलेनाथ का नाम लेना और टेस्ट दे देना। ऑल द बेस्ट। ओके मासी। बड़ी चाची, मैं परफेक्ट लग रहा हूँ ना? परफेक्ट, एक सेकेंड। हाँ, और ये अब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। मैं बड़ी की तरह स्कूल बॉय लग रहा हूँ ना? रिट्टो, एकदम बड़ी की कॉपी लग रहा हो तुम। क्या हो रहा है ये? मैं भी स्कूल जाऊंगा। पता है बड़ी, अब मुझे ना अकेले रहना नहीं पड़ेगा। हम स्कूल साथ साथ जा सकते हैं, हम साथ में एक ही क्लास में पढ़ेंगे, एक ही बेंच पर बैठेंगे, सब कुछ साथ साथ करेंगे। हम साथ साथ जाएंगे और साथ साथ वापस भी आएंगे। और मैं तुम्हारी फ्रेंड से भी मिलूंगा,
और सबसे फ्रेंडशिप भी करूंगा, हम साथ में खेलेंगे भी और साथ में कैंटीन में भी जाएंगे, बहुत मजा आएगा बड़ी बड़ी। चलना तब तक कार से खेलते हैं। अब क्या करोगी शक्ति, कैसे प्रोटेक्ट करोगी अपने शिव को? अब तक तो वो घर के अंदर था तो तुम उसे प्रोटेक्ट कर ही थी, पर अब जब वो घर से बाहर कदम रखेगा तब कैसे ख्याल रखोगी उसका? मुझे ना बहुत नर्वसनेस हो रही है शक्ति, सच में। लोग तो कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होता है, पर आजकल के बच्चे ना भगवान का नहीं, शैतान का रूप होते हैं। अब शिव जैसे इतने बड़े आदमी को अगर उन लोगों ने कार्तिक के स्कूल में ऐसे देख लिया तो सोचो क्या करेंगे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। पापा, आज मुझे मेरे सारे क्वेश्चन का आंसर चाहिए, आप ऐसे बीच में नहीं जा सकते। हाय, आई एम राधिका, आपकी न्यू नेबर। मैं आपके लिए खाना लेकर आई थी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? ओ हाय, प्लीज प्लीज कम इन। प्लीज। वैसे थैंक यू सो मच राधिका, मैंने ना उम्मीद भी नहीं की थी कि इतने अच्छे घर के साथ हम इतने अच्छे पड़ोसी भी मिल जाएंगे। अब हम जान चुके हैं कि आप ही गुरु मान और हमारी तुलसी जी की कातिल भी आप ही हैं। आपके सबसे बड़े पाप से हम पर्दा उठाएंगे, सबको बता देंगे कि आप ही हमारी तुलसी जी की कातिल हैं। सत्यानाश, जिस बात का डर था वही हो रहा है। इस राधा ने तो फिर से अपने पंख फैलाना शुरू कर दिए हैं। इसे हमारे घर में घुसे बिना चैन क्यों नहीं पड़ता? पिछली बार भी बिन बुलाए आ गई थी और हमारी जिंदगी बर्बाद करके चली गई। इस बार आई है तो कहीं हमारी जान नहीं डाले कर चली जाए। अगर इसने हमें यहां देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, निकलना होगा हमें यहां से। वैसे राधिका, तुमने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। मैं बाहर से खाना ऑर्डर ही करने वाली थी, लेकिन जो तुम्हारे नए पड़ोसी ना, उसे बाहर के खाने से चिढ़ है। And thanks to you, कि आज भी उन्हें घर का ही खाना मिलेगा। सच में? अब तो मुझे खाना लाने की और भी ज्यादा खुशी हो रही है। आजकल ना बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें घर का खाना पसंद आता है, वरना तो लोग घर के खाने से ज्यादा ऐप पे खाना ऑर्डर कर करके खाते और अपनी हेल्थ को खराब करते रहते हैं। हाँ, ये तो सही कहा। लेकिन ये जो आपके पड़ोसी हैं, इन्हें बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद। मतलब दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन उन्हें घर के बने दाल चावल चाहिए होते हैं। उसकी वजह से ना हमारे घर में किसी के भी फोन में कोई फूड डिलीवरी ऐप है ही नहीं। ना खुद बाहर से खाते, ना हमें खाने देता है। Really? हाँ ना, इतना बड़ा बिजनेस है उनका, पूरे देश में अपना बिजनेस चलाते हैं, लेकिन है बिल्कुल देसी। घर का बना दाल चावल चाहिए और कुछ नहीं। देखो गुनगुन, मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल टूटा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है, पर ये भी तो समझने की कोशिश करो कि मुझ पर क्या बीत रही है ना। अब जिंदगी भर में अपने सवालों के साथ घुट तो नहीं सकता ना, मुझे भी तो जवाब चाहिए गुनगुन। ठीक है, तो आप फिर मुझे वृंदावन वापस छोड़ दो, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। पूरा परिवार यहाँ पर है, तुम अकेले वृंदावन में रहोगी। आपको मेरी फिक्र नहीं करनी चाहिए, आई विल मैनेज। आपको तो सिर्फ उसकी फिक्र है जो आपके पास भी नहीं है।
Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। मीरा, ये जो राधा रानी की मूर्ति रखी है ना, उनका स्थान गलत है। मैं जाकर एक बार उनका स्थान ठीक कर दूं। यस प्लीज। वैसे भी मुझे पूजा पाठ के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसी बहाने सीख भी लूंगी। सर अरे यार, लाइफ में कोई थ्रिल ही नहीं बचा, मैं बोर हो गया इन साइड व्हील्स वाली साइकिल चला चला के। आजकल तो मोहल्ले की सारी लड़कियां भी मुझ पर हंसने लग गई है, रोज मैच की बैंड बज रही है और मम्मा है वो निकालने नहीं देती साइड व्हील्स। क्या करूं मैं? चाट ले, मैं चाट ले आता हूं, उसके लिए खुश हो जाएगी। पापा! हाँ? क्या हुआ? आप मुझे साइकिल चलाना सिखाओगे? तो वो तो आपको आती है। मुझे खुद भी सारी देर से बिना साइकिल चलाना है। हाँ। जो प्रो हूँ। हाँ, लेकिन आप साइड व्हील्स निकाल के मुझे विदाउट साइड व्हील साइकिल चलाना सिखाओगे? सिखाऊंगा, लेकिन क्या आपको आते तो नहीं निकालने के लिए? एक यहाँ से निकालेंगे, एक यहाँ से निकालेंगे, और आपको चलाता ही, उस दिन चलाई तो दी आपने। हाँ, उस दिन मैंने निकाली थी तो मम्मा ने डांटा था, आप निकालोगे तो मम्मा नहीं डांटेंगी। अरे मम्मा डांटेंगी मुझे भी, अगर आप गिर गए तो। आप जब सो जाते हैं ना तो मम्मा मुझे डांटते हैं, इसीलिए मैं भी नहीं निकाल सकता। क्या है ना, अभी मुझे जाना है बहुत जरूरी, मम्मा के लिए लानी है चाट, और अगर मैं चाट लेकर नहीं गया तो मुझे पड़ेंगे चाटे, इसलिए पहले मैं चाट ले गया तो बाद में व्हील्स निकालता हूँ बाद में, ठीक है? प्लीज सर, गुस्सा तो नहीं है ना? बाय। राधा रानी ना बाकी बिहारी जी की हमेशा लेफ्ट साइड पर होती है, यानी कि वाम अंग की ओर। मैं राधा रानी को सही स्थान पर बिठा दूं? भी मंदिर जाओगी ना तो बाकी बिहारी जी के लेफ्ट साइड पर ही राधा रानी को पाओगी। नहीं कर पाता हूं मैं बात तुमसे। पापा, आज आपको फैसला करना होगा, या तो आपको उसको ढूंढना है, उससे मिलना है, या फिर मेरे साथ रहना है। मुझे कुछ डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, पाप को मैं तुम्हारा, तो मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। लाड़ प्यार का ये मतलब नहीं होता कि तुम सर पर बैठकर नाचना शुरू कर दो। पर पापा, मुझे आप कोई बहस नहीं करनी। अपना कमरा सेट करो तुम। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। मन्नू, मुझे तो लगा तुम सारा गुस्सा इफ्तारी पे उतारोगे, तुम्हें ही बुलाने आने वाली थी। आओ, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस घर के लोगों का टॉर्चर झेलने के लिए मेरा जिंदा रहना भी तो जरूरी है ना, इसलिए अपनी इफ्तारी खुद ही लेने आई थी। अपनी इफ्तारी खुद ही लेने आई हूं मतलब? तुम सबके साथ रोजा नहीं खोलोगी मन्नत? नहीं, मैं अकेले रूम में रोजा खोलूंगी। मन्नत, इफ्तार का मजा सबके साथ आता है, हो सकता है कि ये आखिरी रोजा हो। मन्नू, तुम रोजा सबके साथ ही खोलोगी, समझी? मन्नू छोड़ो ये प्लेट, मन्नत
वो मेरा हाथ छोड़ो, वो प्लेट छोड़ो मन्नू। कायनात जिद छोड़ दो, आज आखिरी रोजा है, सब इफ्तारी के लिए इंतजार कर रहे हैं, मान जाओ और चलो मेरे साथ। कैसे बाप हैं आप? यहाँ मुझे मेरे बेटे की फिक्र खाई जा रही है और आपको इफ्तारी खाने की पड़ी है? हम यहाँ पर आए थे अपने बेटे की जिंदगी आबाद करने के लिए, लेकिन ये सब मिलकर मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। कायनात तुम बेकार में सुभान की फिक्र कर रही हो, सुभान ने किसी का बुरा नहीं चाहा, तो खुदा भी उसके साथ बुरा नहीं करेंगे। कायनात मगरिब का वक्त हो चुका है, अगर तुम नहीं चलोगी तो बच्चों का दिल टूट जाएगा। वो कायनात तुम जानती हो, सूफी तुम्हारे बिना एक नवाला भी नहीं खाता, उसे छोड़ो और मान जाओ, चलो मेरे साथ। चलिए, बेटी की बर्बादी देखते हुए पता नहीं कैसे हलक से खाना उतरेगा। चलिए की अम्मी, सब खैरियत तो है? हाँ हाँ हफीज मियाँ, सब खैरियत है। आप जाइए, मैं कायनात को लेकर आती हूँ। ठीक है। कायनात बेटी, मेरा दिमाग बहुत खराब है, इससे पहले कि मैं आपके साथ कोई गुस्ताखी कर दूं मुझे जाने दीजिए। तुम्हारे बेटे की बर्बादी रोकने की तरकीब है मेरे पास कायनात। कायनात अगर तुम चाहती हो कि वो आवारा मन्नत तुम्हारी बहू ना बने तो एक बार तुम्हें मेरी बात सुन लेनी चाहिए। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं बेटी, मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा टोटका ढूंढा है जिसे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तुम्हारा सुभान चाहे कितनी ही जिद क्यों ना करता रहे, मन्नत उसे निकाह करने के लिए कभी हाँ नहीं करेगी, और जब मन्नत ही हाँ नहीं करेगी तो दुआ जोर जबरदस्ती तो करेगी नहीं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। वाह मन्नत बेटा, अरे तुम तो सच में चांद का टुकड़ा लग रही हो। लगता है आज हमें चांद देखने की जरूरत ही नहीं है। अरे इतना सच सवर के कहां जा रही हो तुम? बताती हूँ, सब बताती हूँ। अच्छा, मैं कमरे में ही रोजा खोलने वाली थी, पर मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है, इसीलिए चलिए। कौन सी बात करनी है? अम्मी मुझे सुभान का रिश्ता सुभान से शादी करने के लिए तैयार वैसे हैरानी से क्यों देख रहे हैं? आप सब मेरे बड़े हैं, मेरा अच्छा ही सोचते हैं, मेरे बारे में कोई गलत फैसला कैसे कर सकते हैं? यही सोचकर मैंने तय किया है कि मुझे आप लोगों की बात मान लेनी चाहिए और मुझे सुभान का रिश्ता मंजूर है।
तेरा लाख लाख शुक्र है। मम्मी कायनात क्या बोल रही है ये हार्मोन में तो जमी चुप रही है और चुपचाप बैठ के तमाशा देखिए। लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मेरा घर घर है, बाजार नहीं। और मेरे सुभान को लड़कियों की कमी नहीं है मन्नत। तुम मेरे भाई की बेटी हो और यही अरमान लेकर मैं तुम्हारे साथ अपने सुभान का रिश्ता जोड़ने के लिए आई थी। लेकिन तुम्हारी हरकतें देखकर मैंने ये तय कर लिया कि तुम मेरी दहलीज पर कदम तक नहीं रख सकते। अम्मी प्लीज। तुम चुप रहो सुभान। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।